अर्धसैनिक, हम हैं अर्धसैनिक, हम हैं अर्धसैनिक। वंदे मातरम, मैं पूरन चंद आर्या अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी चर्चा चल रही है और मैंने अपने पिछले वीडियो में मैसेज दिया था कि अब हम लगातार आपको अपने 10 रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में एक के बाद एक बताते चले जाएंगे। यह मेरा पहला अर्धसैनिक कैंटीन जो कि हमारा सबसे सफल महत्वपूर्ण रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसके लिए सभी अर्धसैनिक कैंटीन के मैनेजर ध्यान से सुने और साथ ही हमारी डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एजेंसी का जो भी इंचार्ज है वह भी ध्यान से सुने। अर्धसैनिक कैंटीन को कामयाब करने के लिए अब हमने डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एजेंसी भी अपॉइंट करना शुरू कर दी और कई जिलों में हम यह आरंभ भी कर चुके हैं। अर्धसैनिक कैंटीन में डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एजेंट की जिम्मेवारी है कि डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग टीम का जो सदस्य है वह हमारी प्रत्येक अर्धसैनिक कैंटीन में जाकर हमारी इस सारी योजनाओं के बारे में बताते हुए अर्धसैनिक कैंटीन की जो भी समस्या है उसे गाइड करे। और साथ ही मैं अर्धसैनिक कैंटीन के मैनेजर से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा और आज मैं उसे समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अर्धसैनिक कैंटीन आम जनता के लिए एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया था और इसे आज हम लगभग 1000 से ज्यादा स्टोर खुलवा चुके हैं। इसमें हमें बहुत जगह कामयाबी भी मिली और कुछ जवान इसमें फेल भी हुए। व्यापार के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ना और कभी फेल होना एक साधारण प्रोसेस है। हमें भी बहुत तकलीफ रहती है, डेली चैलेंज रहते हैं। अर्धसैनिक कैंटीन को कामयाब करने के लिए हमने इनकम और पेंशन योजना, ग्राहक को लगातार जोड़ के रखने के लिए हमने इनकम और पेंशन योजना खरीदारी करते हुए ग्राहक के लिए लागू की। इसके अंतर्गत 10,000 से ज्यादा पेंशन कार्ड ग्राहक बना चुके हैं और बहुत सारे कैंटीन वाले इस योजना की वजह से आनंदित भी कर रहे हैं। साउथ में, बिहार में, नॉर्थ इंडिया में, यहाँ तक कि रामबन में भी एक कैंटीन है मिस्टर जसपाल, साउथ में मुरुगन, बिहार में मिस्टर नंदन, ये वो नाम गिनवा रहा हूं जो इस मार्केटिंग प्लान के कारण उत्साहित हैं और अपने ग्राहकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। मेरा अर्धसैनिक कैंटीन मैनेजर से निवेदन है हमारी इस स्कीम को फिर दोबारा से समझे और यदि आपके यहाँ हमारा मार्केटिंग टीम का कोई सदस्य आता है उसका स्वागत करें, अपनी परेशानी की चर्चा करें और जो भी आपको गाइड करता है उस पर ध्यान दें। आपको लगातार ग्राहक मिलेंगे, परमानेंट ग्राहक मिलेंगे। एक कैंटीन को, एक रिटेल स्टोर को, एक दुकानदार को ग्राहकों की ही जरूरत होती है, तो वह समस्या का निदान हमने कर लिया है। खरीदारी पर इनकम और पेंशन का एक खूबसूरत नायाब तोहफा हमने जनता के लिए निकाला है और बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग प्रतिनिधि को सुने, समझे और अर्धसैनिक कैंटीन को उसकी गाइडेंस के अनुसार चलाना शुरू करें और इसके साथ ही आपके जिले में डिस्ट्रीब्यूटर भी जल्दी ही बन जाएगा। हमने सिविलियन से भी अब डिस्ट्रीब्यूटर लेना शुरू कर दिया है क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या हम फौजियों में नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने सिविलियन को भी आमंत्रित किया है और इसके नाम भी आने लग गए। आपकी नोटिस में भी कोई अगर है जो डिस्ट्रीब्यूटर बनकर जिले के अंदर पूरी सप्लाई चेन को संभाल सकता है, किसे उसे सूचित करें, उसे इस सप्लाई चेन, इस रिटेल चेन के बारे में बताएं। अर्धसैनिक कैंटीन हमारा पहला रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, अर्धसैनिक कैंटीन को जवानों द्वारा जनता के लिए शुरू किया गया था। मैं ये कहूंगा कि लगभग 75% से ज्यादा जवान इसमें कामयाब हो चुके हैं। यह सारी कैंटीनें चल रही हैं और बहुत सारे जवान किसी नए नए नाम से भी इस तरह के स्टोर को चला रहे हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है हमारी राशन से पेंशन योजना के अंतर्गत जुड़े, हमारे साथ इस स्कीम का पूरा पूरा फायदा उठाएं। चाहे आप किसी भी नाम से कैंटीन चला रहे हो, आप हमारी इस योजना का पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। हमारा मिशन सबको पेंशन, हमने 2015 में अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट शुरू किया था, उस समय हमारा मिशन एक ही था कि जवानों के लिए कई तरह के रोजगार कार्यक्रम लाएं। यह मेरा पहला वीडियो है, हमारे 10 तरह के रोजगार कार्यक्रमों की एक कड़ी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब हर नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो मेरे अगले प्रोग्राम के बारे में होगा जिसमें हम फौजियों के साथ साथ अब सिविल जनता को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि सिविल जनता भी अगर फौजियों के साथ शामिल होकर काम करना शुरू करेगी तो हमारे फौजियों का, उसके अनुभव का फायदा होगा। डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एजेंसी बनाने के पीछे लक्ष्य भी यही है कि जो सिविलियन सेल्स और मार्केटिंग का अनुभव रखते हैं वह हमारे जवानों की कैंटीनों में जाए, उनको सिखाए,
सेल्समैनशिप कैसे होती है, प्रोक्योर कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, स्टॉक की चेकिंग कैसे करते हैं, स्टॉक को रखा कैसे जाते हैं, स्टॉक को मेंटेन कैसे किया जाता है, और डिस्प्ले स्टॉक जितना भी है उसकी एक्सपायरी कैसे चेक की जाती है, डे टू डे आपको किस तरह से अपना स्टोर चलाना है। हमारी मार्केटिंग एजेंसी लाने के पीछे यही रीजन है ताकि हमारे अर्धसैनिक कैंटीन के जवानों को स्टोर चलाने में जो दिक्कत आ रही है उसको वह समाधान दे सकें, उनको हम गाइडेंस दे सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि अर्धसैनिक कैंटीन आप भी यदि खोलना चाहते हैं, इस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का यदि आप अपने लिए अपने बच्चों के नाम पे भी खोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसमें चैलेंज यही है कि आपको पूरे दिन एक व्यस्त जीवन बिताना पड़ेगा, सामान लाना, उसको डिस्प्ले करना, ग्राहक को अटेंड करना। हमारा आपको डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एजेंट जो है, हमारा प्रतिनिधि है, वो आपको आपका सिखाएगा। अर्धसैनिक कैंटीन आम जनता के लिए, जवानों द्वारा देश के लिए है, और सबसे बड़ी बात अब हमें इसमें और भी ज्यादा कामयाबी मिलने लगी है क्योंकि ग्राहक को परमानेंट जोड़ के रखने के लिए हमारी योजना भी बहुत ही ज्यादा जनता द्वारा पसंद की जा रही है। मेरा आपसे निवेदन, इस वीडियो को सभी जवानों में शेयर करें, अर्धसैनिक कैंटीन के इस पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में सभी जवानों से चर्चा करें, एजुकेट करें। आप हमारी हेल्पलाइन पे फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लगातार देखें कि क्या क्या है और पीछे भी क्या वीडियो दिए गए हैं। सारे एजुकेशन है, सारी ट्रेनिंग है, हम अपनी तरफ से सब कुछ बताते हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी लेकर अर्धसैनिक कैंटीन को शुरू करना चाहिए और अपने जीवन यापन का एक खूबसूरत अवसर लेते हुए, मेहनत करते हुए अपनी सेल बढ़ाए, साथ में ग्राहकों को इनकम और पेंशन प्लान से भी जोड़े। आओ मिलकर आगे बढ़े, एक ही लक्ष्य है, हम सभी मिलकर अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी चुनते हुए जनता की भी सेवा करें और देश के लिए भी हम पुनः कंट्रीब्यूट करें। धन्यवाद। जय हिंद।